दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि एक कमजोर आदमी, चाहे आप उसको कितनी भी अच्छी से अच्छी खुराक क्यों ना दे दें, वो उतने अच्छे तरीके से खुराक है वो उस आदमी के ऊपर असर नहीं दिखा पाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो शरीर है वो इतना कमजोर हो चुका है या उसमें वो क्षमता नहीं बची कि वो उस दवा का पूरे तरीके से उपयोग कर पाए। तो कुछ सेम ऐसा ही हमारी फसलों के साथ में होता है। जब एक बार हमारी फसल रोगग्रस्त हो जाती है तो हम उसमें काफ़ी सारे फर्टिलाइजर या जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, परंतु जिस अनुपात में हम मेहनत करते हैं या खर्चा करते हैं उस अनुपात में हमें रिजल्ट है वो नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या उपाय है कि एक जो भी हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरीके से हमारी फसल के ऊपर काम करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज श्रीराम बोर की, जो कि एक लिक्विड फर्टिलाइजर है। और यह किस तरह से कार्य करता है, क्या इसकी प्राइस है, इसकी क्या डोज है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर। तो श्रीराम बोर की में मुख्य रूप से जो बोरोन तत्व है वो पाया जाता है। अब हम बात करें कि जो बोरोन तत्व है वो फसलों में क्यों आवश्यक होता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो यह फसलों में फूलों की संख्या बढ़ाता है। दूसरा, यदि हम बात करें तो सारे जो फूल हैं उनको फलों में कन्वर्ट करता है। तीसरी, यदि हम बात करें तो यह हमारे फूलों को झड़ने से रोकता है। चौथी, यदि हम बात करें तो यह फलों का जो फटने का प्रोसेस होता है उसमें भी काफ़ी कमी करता है। इसके साथ में इसका एक और प्लस पॉइंट यदि हम बात करें तो वो ये है कि मार्केट में जितने भी दूसरे फर्टिलाइजर या केमिकल या पेस्टिसाइड हैं उनके साथ में आप श्रीराम बोरकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करें कि यह किस तरह से कार्य करता है। तो यह E2DA परफॉर्मेंस तकनीक के द्वारा काम करती है। यदि हम एक सामान्य उर्वरक के बारे में चर्चा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पौधे की जो बाहरी पत्तियां होती हैं या जिसको क्यूटीसील हम बोलते हैं वो उनको पार नहीं कर पाती है, और फलस्वरूप जो भी आप उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं या फर्टिलाइजर कर रहे हैं इस्तेमाल, उसका जो फ्लो है पौधे के अंदर वो कम हो जाता है, गति भी काफ़ी वहाँ पे कम हो जाती है और हमें उतना अच्छा जो रिजल्ट है वो नहीं मिलता है। हम बात करें कि E2DA तकनीक क्या होती है। तो E2DA जो तकनीक है वो पौधे के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनके स्मार्ट फ्लो को प्रेरित करती है, यानी कि उनमें जो उर्वरक है उसके फ्लो और जो गति है उसको ये बढ़ाती है, जिससे और साथ में जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो काफ़ी कम होता है, जिससे कमज़ोर पौधे हैं वो भी इसको ग्रहण कर पाते हैं। और यह जैसे ही आप फसल के ऊपर इसका स्प्रे करते हैं, मुख्य रूप से इसका स्प्रे के रूप में हमें इस्तेमाल करना होता है, तो जैसे ही आप इसका फसल में इस्तेमाल करते हैं जाना वाला E2DA फैक्टर है वो पोषक तत्वों के साथ में जुड़ जाता है और उसका पूरे पौधे में एक अच्छे तरीके से संचार होता है, काफ़ी अच्छी गति से होता है, जिससे पूरा पौधा है वो इसको एब्जॉर्ब करके और जो भी अपन पोषक तत्व इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरे पौधे में फैल जाता है। आप इसका इस्तेमाल कम या ज़्यादा पीएच वाली जो अवस्थाएं होती हैं उनमें कर सकते हैं। इसमें जो घुलनशीलता है वो काफ़ी बेहतरीन होती है, जिससे जो इसका इस्तेमाल है वो फसल में करने पर ये सभी पौधों में एक समान रूप से फैलता है। बोरोन की जो मात्रा है वो इसमें दूसरे जो प्रोडक्ट हैं सिमिलर उनके तुलना में काफ़ी ज़्यादा इसमें पाई जाती है, और यह लंबे समय तक प्रभावी रहता है। इसकी कम मात्रा भी है वो हमें एक अच्छा रिजल्ट देती है, साथ में पर्यावरण के लिए अनुकूल है, ये इसके कुछ फायदे हैं। अब हम बात करें कि हमें श्रीराम बोरके का इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आप श्रीराम बोरके का इस्तेमाल है वो फसल की बुआई करने से 15 से 20 दिन पहले या जो फूल आने की अवस्था होती है उस समय में कर सकते हैं। अब हम बात करें कि हमें इसका जो डोज है वो कितना लेना चाहिए। तो आप आधा से और 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप 150 से और 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से श्रीराम बोरकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कीमत के बारे में यदि हम बात करें तो आपको यह 100 रुपए से और 130-140 रुपए में, ये डिपेंड करता है आपके मार्केट के ऊपर, कुछ 10-20 रुपए कमती बकती भी आपके हिसाब से एरिया के हिसाब से हो सकते हैं इसमें, तो आपको ये 100 ml है वो मिल जाती है। दूसरा, हम बात करें इसका पैकिंग साइज के बारे में, तो यह आपको 100 ml, 250 ml या 1 लीटर जिस हिसाब से भी आप लेना चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं।
नज़दीकी जो भी आपका खाद बीज का भंडार है वहाँ से, या ऑनलाइन में आपको इसको अमेजोन या जो एग्रोस्टार आदि जो वेबसाइट है वहाँ से इसको मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जल्द ही मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम।